अपकमिंग मूवी बकरापुर सिर्फ अपने टाइटल की वजह से नहीं बल्कि एक बकरे का नाम सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर रखने से ज्यादा चर्चित हो गई है। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स ने एक प्रेस मीट में बताया कि क्या है फिल्म की कहानी और क्यों है एक बकरे का नाम शाहरुख। टेक अ लुक। यह है बकरापुर, एक फिल्म है, उसमें मैं बकरे का रोल कर रहा हूँ, शाहरुख नाम है मेरा। ऐसे कुछ है, मेरा रोल नहीं है कुछ, बट मेरे जो परम मित्र हैं मोहन और कोको अग्नि के, वो उन्होंने म्यूजिक दिया है इस फिल्म के लिए, और उन्होंने मेरा कान खींच के बोला आजा गाना गा। मैं बोला ठीक है। जब लोग बकरियाँ रखते हैं तो बकरी को नाम देते हैं, और जब फिल्म बनाने वालों ने इस बकरी को चुना तब उन्हें पता लगा कि इस बकरी का नाम शाहरुख है। करेक्ट। और वो शाहरुख के नाम से ही रिस्पॉन्ड करता है। आप सोचिए कि बकरी को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल होगा। जहाँ पे वो कास्टिंग करने के लिए बकरे ढूंढने के लिए गए थे, वहाँ पे जितने ओनर्स हैं जिनके बकरियाँ या बकरे थे, वो सब नाम बकरों का ऐसे ही देते हैं, फिल्म स्टार के ऊपर ही नाम देते हैं कोई, और प्यार से देते हैं, प्यार से देते हैं, और ऐसे ही बुलाते हैं, यार ये तो मेरा शाहरुख है, ये तो मेरा सलमान है। तो वो तो जानकी जो डायरेक्टर है, मैं बोल रही थी यार मैं शाहरुख नहीं रखती, तो सलमान रख सकती थी। जो हमने बकरा चुना उसका नाम शाहरुख था, अगर वो नहीं चुनते तो सलमान को चुनना पड़ता या तो आमिर को चुनना पड़ता, और अगर किसी का भी हम लोग नाम रखते तो कॉन्ट्रोवर्सी उतना ही होता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस गाने में हमने किसी सुपरस्टार के लिए गाना नहीं गाया है, ना तो हमारी आवाजें, हाँ लेकिन बकरे की आवाज मैंने नहीं गाई। एक बार गा के अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारे, भैंस के आगे बीन बजाने, ये सब उन्होंने लेकर एक ऐसा गाना बनाया है जिसका आइडिया मेरे ख्याल से ये था कि भाई देखो, हम सबको जो हम इलेक्शन में जो वोट देते हैं, हमें तब से राजनीतिक वाले लोग हमारी ले रहे हैं, और हम हर बार चले जाते हैं यार ले यार मार दे कुल्हाड़ी, है पैर अनाड़ी ढूंढे कुल्हाड़ी की, तो ये आइडिया था मेरे ख्याल से उनके ये गाने लिखने का। नेता चुनना पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, बार बार गलत नेता को चुनना बिना ये सोचे समझे कि कौन सही है, किस वजह से वो इलेक्शन में खड़ा है, क्या कह रहा है, क्या करेगा, क्या किया है, इसमें से कुछ भी बिना सोचे समझे हम उन्हीं बातों में आके, उन्हीं वादों में आके, उन्हीं कम्युनल रीजंस की वजह से, पैसों की वजह से बिरयानी की वजह से, हाँ, जब दारू की वजह से, मेरी कॉम, मेरा कास्ट, इन चीजों में जाओगे तो ये बहुत, तो ये हाँ, तो बेसिकली जो उन चीजों के लिए बार बार अपना वोट डालते हैं, वो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, कुल्हाड़ी को हमके पता नहीं किस किस हिस्से पर मारते हैं। तो बस उन्हें मुबारक हो ये इलेक्शन, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ठीक ठाक वोट कर ले। और शाहरुख के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी जो है, वो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो फिल्म में, जितने हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, सारे शाहरुख के पीछे दीवाने हैं। मैं हम लोग सबको बहुत सारे मैसेज आए फेसबुक ट्विटर पे, ये आप कैसे कर सकते हो, हमें लगा था कि आप तो संत कबीर वाणी पे आप गाने लिखते हो, और आपने किसी पर्सनल रिमार्क्स आपने चूज़ किया कि शाहरुख खान के लिए वो भी, और काफी सारे दूसरे खानों के हमें मैसेजेस आए कि बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये फिल्म तो बहुत बड़ी सुपर हिट होने वाली है, और हम करेंगे, हमें तो हिंदी भी नहीं समझ में आती। बहुत लोग कनाडा, यूके, वहाँ से सबसे बाकी जो खान्स के फैन हैं, उन्होंने मैसेज किया कि वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी बट वी विल स्टिल वॉच द फिल्म। टू नो मोर अबाउट बॉलीवुड्स लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिल्मी गॉसिप।